नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं क्योंकि हमारी इधर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? आपको याद होगा 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने सहारा इंडिया का पैसा वापसी के लिए एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और जिस पोर्टल पे क्लेम करने वाले को पहली बार 45 दिनों में 10,000 रुपये देने की बात की गई थी। और ऐसी स्थिति में आप में से कई लोगों ने क्लेम कर दिया। हालांकि हम आपको शुरू से मना करते आ रहे हैं कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करे तब तक क्लेम नहीं करें। तो इसके बाद एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि आप में से अभी तक किसी को पैसा मिला या नहीं मिला जिन लोगों ने क्लेम कर दिया। मुझे नहीं लगता है, 90 दिन हो चुका है और किसी को पैसा मिला होगा। हालांकि आपको याद होगा जब 18 जुलाई 2023 को ये रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था उसके तकरीबन 17 दिन बाद ही अमित शाह जी ने लाइव आकर के कहा था कि हमने 112 लोगों को ट्रांसफ़र किया और बाकी जो लोगों ने क्लेम किया है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरी अभी तक की जानकारी है उनका ये बात भी जुमला साबित हुआ। जब 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद अमर उजाला में एक न्यूज छपी थी और जिसमें अमित शाह जी के बारे में दावा किया गया था कि उन्होंने कहा है कि सभी को पैसा दिया जाएगा, उसी समय हमने वीडियो बना करके आपको ये बता दिया था कि जहां 86,000 करोड़ पूरे देश के लोगों का बकाया है जो कि खुद सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्वीकारा है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, वैसी स्थिति में 5,000 करोड़ में सभी को पैसा देना ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन साबित होगा। और साथ ही ये भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा थोड़ा चुनाव को देख करके और चुनावी लॉलीपॉप के जैसा सबको बांट दिया जाए, और एक तरह से वही साबित हुआ है। और वो चुनावी लॉलीपॉप भी अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से किसी को नहीं मिला है। और जो लोग भी जुड़े आपसे अनुरोध है शेयर जरूर करें क्योंकि अभी जो मैं जानकारी दूंगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि उनका ये वादा जुमला साबित होने के बाद पहली बार वो बिहार आ रहे हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में। हमारी जानकारी के अनुसार से विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि 5 नवंबर 2023 को मुजफ्फरपुर के अंदर पताही में हवाई अड्डा मैदान है वहीं पे एक विशाल रैली होगी। अब सवाल ये उठता है कि अब यहाँ पर आकर के क्या वो सहारा के बारे में एक लाइन बोलेंगे? मुझे नहीं लगता है कि बोलेंगे, क्योंकि बोलते कब? जब सारे देश के लोग क्लेम कर देते, सारे लोग उनकी बात में आकर के क्लेम करते तो बोलते, वो कहते कि हमने सहारा का पैसा दिया। जितना न्यूज़ को लगाया गया था, जितना मीडिया को लाया गया था कि बीजेपी के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने सहारा इंडिया मैटर सॉल्व कर दिया, सभी का पैसा मिलने लगा, कई लोगों ने, उनके कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी इस तरह का दावा करना शुरू किया, लेकिन उस समय से लगातार न केवल हम सही जानकारी दे रहे हैं बल्कि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनके इस चुनावी लॉलीपॉप के बारे में एक एक आदमी को सच्चाई बता रहे हैं। और उसी के बाद से अभी तक उनके किसी भी नेता ने सहारा के बारे में क्रेडिट नहीं लिया और ना ही इसका जिक्र किया। और अभी चुनावी जो इनका रैली का शुरुआत हो चुका है उसमें कहीं भी सहारा का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि पूरा देश ये जो धोखा कर रहे हैं उसको जान गया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। अब जो मुजफ्फरपुर में सभा होना है, अभी मैं बिहार में हूँ और हो सकता है कल से मैं विभिन्न एरिया में घूम करके लोगों से मिलूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम उनकी रैली में जाकर के इस मुद्दे को उठाया जाए। और इसके लिए हमने क्या किया है, एक गूगल फॉर्म बनाया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही हमारा लाइव इंड होगा वैसे ही मैं दे दूंगा और उसमें आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता ये सब भर करके सबमिट करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्म है और जिससे हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगा। हमारे पास आप में से अधिक लोगों का अगर कॉन्टैक्ट डिटेल आता है, और आज है 28 तारीख, कहने का मतलब एक सप्ताह समय है हमें, तो अच्छा खासा अगर आपका डिटेल हमारे पास आता है तो हम कोशिश करेंगे बीच में एक मीटिंग करके और उसके बाद तय करें कि हम अपनी बात उन तक कैसे उस दिन पहुंचा सके, क्योंकि इस तरह का दबाव सरकार के ऊपर बनाना होगा। नहीं बनाइएगा, चुपचाप बैठ रहिएगा तो सरकार इसके बारे में बोलेगी नहीं। हालांकि जब इलेक्शन आएगा तो अपना वोट का चोर जरूर कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन उससे पहले भी इन लोगों को ये बताना होगा कि आप रैली में आकर के
या भाषण दे करके अगर आप सारा इंडिया मामला को भूल जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये बात बताना होगा। और इसी के लिए आप लोग नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है वो भर करके हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको अपलोड कर दें। और साथ ही जो हमारा YouTube वीडियो है उस पर हम स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कैसे उसको भरना है। केवल नाम अपना भरिएगा, उसमें मोबाइल नंबर भरिएगा, उसके बाद कौन सा स्टेट है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ईमेल आईडी, और सबमिट कर दीजिएगा। हमारे पास डिटेल आ जाएगा और हम कोशिश करेंगे 5 दिन के बाद हम बताएं आपको कि उसमें कितने लोगों का संपर्क आया, और वही लोग भरें जो लोग वहां आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और जब हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा उसके बाद हम ऑनलाइन मीटिंग करके उसमें फैसला करेंगे कि आगे हमको कैसे अपने मामला को उनके सामने रखना है। हो सकता है हम उससे पहले अगर मीटिंग जब करेंगे उसके बाद जो मुजफ्फरपुर के DM हैं, SP हैं, उनको हम ज्ञापन देंगे कि भाई हम उनसे मिलना चाहते हैं। और हालांकि हमने 31 जुलाई 2023 को अमित शाह जी को भी जो 10 मांग है वो भेजा है, जो कि पोर्टल के बारे में है। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये पैसा कब मिल पाएगा इसका कोई पता नहीं है, ये पहले ही हमने कहा है, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 45 दिन में आपको पैसा मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो मैंने सोचा है क्या वो सही सोचा है या नहीं सोचा है आप बताइए। अगर आपको हमारी बात सही लगे या फिर जो सुझाव है वो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी लोगों तक पहुँच पाएगा। और सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह का मुद्दा उनके रैलियों में उठे, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है और अभी तक जो हमने संघर्ष किया है उसे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार के मिलीभगत से ही ये सारा स्कैम चल रहा था। हमने यहाँ DM को भी घेरा, हमने यहाँ PSDO को भी घेरा, हमने यहाँ DSP को भी घेरा। आप देख रहे हैं जो हाल केवल पटोरी पटोरी का है वो पूरे देश का हाल है, और इसी वजह से आप लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो सहारा है वो कहीं ना कहीं इनके अधिकारियों यानी कि सरकार के अधिकारियों को मिला करके ये खेल आपके साथ खेला है। दोस्तों इसके साथ ही मैं विदा लूँगा, लेकिन आपसे अनुरोध करूँगा कि जो लोग आसपास क्षेत्र के हैं वो जरूर आए। नहीं आइएगा, इतना नहीं अपना समय निकालिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कल के डेट में आपका पैसा मिल पाएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।